हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश सिंह है और आप लोगों का फिर से स्वागत है A3 बिजनेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं एप्पल के लॉन्च से रिलेटेड। एप्पल ने कल अपने दोनों फोन लॉन्च कर दिए हैं जो कि सबसे मोस्ट वांटेड डिवाइस हैं मार्केट में, आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या न्यू ने अपनी चीजें दी हैं अपने फोन में, और कितनी जो रूमर और लीक्स थे वो कितने सच हुए हैं, और इंडिया में कब अवेलेबल होने वाले हैं, और क्या प्राइस होने वाली है इनकी इंडिया में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इनके अंदर क्या क्या न्यू चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। 6S से आपको इसके अंदर बेटर डिस्प्ले देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि आईफोन ने एप्पल ने कल बताया अपने इवेंट में कि डिस्प्ले साइज सेम होने वाली है, रेजोल्यूशन सेम होने वाली है आपको, बट आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगी ब्राइटनेस और कलर में और पावर एफिशिएंट में। आपको इसके अंदर डिस्प्ले जो मिलेगी वो पावर एफिशिएंट होगी, पहले डिस्प्ले से ज्यादा ब्राइटनेस आपको ज्यादा मिलेगी इसके अंदर, और कलर आपको इसके अंदर अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। सेम इनके आईफोन 7 प्लस के साथ भी यही है कि आपको अच्छी सेम डिस्प्ले रेजोल्यूशन मिलेगी, सेम साइज मिलेगी, बट आपको ब्राइटनेस में भी अच्छी देखने के लिए मिलेगी और वो भी पावर एफिशिएंट होगी। कम पावर पे आपको अच्छी क्वालिटी, अच्छी कलर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इनमें जो न्यू चीज़ है वो कैमरा से रिलेटेड है कि कैमरा इनने इस बार 12 मेगापिक्सल का आपको i7 में देखने के लिए मिलता है। आपको 12 मेगापिक्सल के दो ड्यूल कैमरा आपको i7 प्लस में देखने के लिए मिलते हैं। कैमरे से रिलेटेड बात करें तो इसके अंदर आपको f1.8 एपर्चर देखने के लिए मिलता है, जिसका बेनिफिट ये है कि आपको लो लाइट में अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं। और आईफोन 7 प्लस में आपको ड्यूल कैमरा का ये बेनिफिट हो रहा है कि इसके अंदर दो तरह के लेंस है, एक है आपका टच सोलो लेंस और एक आपका वाइड एंगल लेंस है, जो कि आपको अच्छी क्वालिटी के साथ ड्यूल ऑप्टिकल जूम का भी बेनिफिट देते हैं, जिसकी वजह से आप ड्यूल ऑप्टिकल जूम करने के बाद भी अपनी पिक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं देखेंगे, क्वालिटी बिल्कुल सेम होने वाली है। और इसके अंदर आपको 3.5 का जैक नहीं मिलने वाला है, ये भी एक रूमर था जो कि बहुत पुराना, बहुत 6 महीने पहले सबको पता चल गया था और वो रूमर सच हो गया है। आपको 3.5 का जैक नहीं मिलने देखने के लिए मिलेगा इस फोन के अंदर आपको, उसके वजह से उसके बावजूद आपको इनने एक नए, जिसको ये बोलते हैं ईयर पॉड करके, कुछ ईयरफोन्स निकाले हैं जो कि आपको सेपरेटली साइज से खरीदने पड़ेंगे, $150 के मिलेंगे US में ये प्राइस होने वाली है, इंडिया में पता नहीं है। तो इनने वायरलेस ईयरफोन निकाले हैं इसके फ़ोन के लिए। अब ये पता नहीं है कि इसके फ़ोन के साथ कोई आपको कन्वर्टेबल जैक जो मिलेगा, जिसके अंदर आपने पुरानी लीड या साथ में कोई जैक देंगे और लीड पुरानी वाली लीड देंगे, ये अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। और इसके अंदर आपको इस बार ड्यूल स्पीकर देखने के लिए मिलेंगे, एक आपको लोअर पे स्पीकर देखे जहाँ होता है वहाँ तो दिखने के लिए मिलेगा, और इस बार इस पे भी आपको इस बार स्पीकर देखने के लिए मिलेगा। तो एक अच्छी बात है कि एक स्पीकर दोनों सेम जगह पे नहीं है, एक इनने फ्रंट की जगह पे रखा है, तो उससे आपको काफी वाइड एरिया में भी आवाज आपको अच्छी लगेगी, तो एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो एक अच्छी बात है, स्पीकर दो ड्यूल कर दिया इनने इस बार। आपको इस फोन के अंदर जो टच आईडी होती है उसके अंदर इस बार आपको 3D टच देखने के लिए मिलेगा, कि आप एक बार दबाएंगे तो वो ये एक्शन ले रहा है, या दो बार दबाएंगे तो अलग एक्शन लेगा, तो ये चीजें भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी आईफोन में। और सबसे अच्छी बात जो इसके अंदर होने वाली है वो है इसकी प्रोसेसर को लेके। इसके अंदर आपको A10 का क्वाड कोर प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा जो कि बहुत पावरफुल होने वाला है। इनने बताया है कि इनके जो प्रीवियस A9 करके जो प्रोसेसर था उससे ये काफ़ी अच्छा होने वाला है, पावर एफिशिएंट होने वाला है, 40% उससे अच्छा पावर आपको प्रोसेसिंग देगा। क्वाड कोर होने वाला है, जिसके अंदर आपको दो बड़े प्रोसेसर और दो स्मॉल प्रोसेसर देखने के लिए मिलेंगे। स्टोरेज की बात कर लेते हैं, स्टोरेज आपको इसके अंदर इस बार जो अच्छी चीज़ इनने करी है कि इस बार अपनी स्टोरेज इनने 32GB से स्टार्ट करी है, और ये भी एक रूमर था जो कि कन्फर्म हो गया कि वो भी ट्रू है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट अपनी टेक न्यूज़ में ही बताया था कि इसके अंदर आपको 32GB, 128GB और 256GB देखने के लिए मिलेंगी। तो इस बार आपको आईफोन 7 और 7 प्लस में वायरलेस चार्जिंग भी देखने के लिए मिलेगी, वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट रेजिस्टेंट की प्रोटेक्शन भी मिलेगी, IPS 6-7 की प्रोटेक्शन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी, जो कि इनने बहुत अच्छी स्टेप लिया है, क्योंकि इनके पहले डिवाइस नहीं होते थे वाटर। और इसके अंदर एक और जो अच्छी चीज़ है, इस बार आपको इसके अंदर 4 LED फ्लैश देखने के लिए मिलेंगे जो कि ड्यूल टोन होने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से तो इस बार आईफोन ने ओवरऑल बहुत अच्छा लॉन्च करा, बहुत सारी चीज़ें अपने फ़ोन में न्यू दी हैं इस बार, जैसे कि इनके प्रीवियस डिवाइस से जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। आईफोन 6S जब लॉन्च हुआ था उसके अंदर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था 6 से, बट इस बार 6S से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस और न्यू चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं लेने का, अपग्रेड करने का अपने 6S को, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको 7 में देखने के लिए मिलेंगी, जो कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो अब इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीक में लॉन्च हो जाएगा इंडिया में भी, मतलब अक्टूबर की फर्स्ट वीक में, और डेट आ रही है 7th ऑफ अक्टूबर।
तो अब देखते हैं कि वहाँ कब तक, उस समय होता ही नहीं होता, बट ये कंफर्म है कि फर्स्ट वीक तक इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा ये डिवाइस भी नेक्स्ट मंथ की। तो इसकी प्राइस की बात करते हैं कि प्राइस जो इनकी इनने यूएस में रखी है वो काफी अच्छी इनने प्राइस रखी है। अगर वैसी सेम प्राइस इंडिया में होती तो फिर तो इंडियंस के लिए मौज हो जाती, पर इनने पता नहीं क्या समझते हैं इंडिया में पैसे कहाँ उगते हैं, पेड़ों में पैसे उगते हैं कि इंडियन महंगा फोन खरीद लेंगे। इनको तो यूएस से कम बेचना चाहिए भाई इंडिया में। चलो कोई बात नहीं, प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। यूएस में ये आईफोन 7 लॉन्च हुआ है $649 में, जो कि कन्वर्ट होकर 43,000 रुपीज होते हैं इंडियन करेंसी में। और इसका जो आईफोन 7 प्लस है वो हुआ है $769 में, जो कि इंडियन करेंसी में 51,000 रुपीज होते हैं। बट इतना लकी मत समझिए अपने आप को, इसी प्राइस में आपको ये फोन मिलने वाले हैं। आपको आईफोन 7 जहां तक की रूमर में अभी आ रहा है कि आपको ये इंडिया में अवेलेबल 60,000 में होने वाले हैं आईफोन 7। तो अब देखते हैं कि कितने प्राइस में, तो मैंने आपको बता दिया कि 60,000 के करीब ये स्टार्ट होंगे आईफोन 7, और जितने ज्यादा जितने आगे बढ़ेंगे आप 632 GB 128 GB तो उतने महंगे होते जाएंगे। तो अब तो बस वेट है इस फोन का कि इंडिया में जल्दी से लॉन्च हो और पता चले कि कितना अच्छा है ये फोन। अगर आप प्लान कर रहे हैं लेने का तो आपको मैंने बता ही दिया कि प्राइस कितनी हो गई है। अगर कोई ले रहा है तो भाई लेके मेरे को जरा मैसेज कर देना, मैं रिव्यू करके दे दूंगा वापस। और क्या बचा इसके अंदर, और तो कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं है, सब तो आपको मैंने बता ही दिया। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, मैं देख रहा हूँ कि व्यू मेरे को बहुत सारे आ रहे हैं, मेरी वीडियोस पे इतने सारे व्यूज आ रहे हैं, बट सब्सक्राइब कोई करता ही नहीं। सब्सक्राइब आते हैं 3 दिन में एक दो, तो इतने सारे बंदे व्यू देते हैं बट सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते। ऐसे इतना गंदा तो मैं कंटेंट कुछ डालता नहीं हूँ, तो सब्सक्राइब कर